उमेश यादव की टीम में एंट्री पर मचा बवाल, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ पर खड़े हुए सवाल, शमी के बदले हुई है टीम में उमेश यादव की एंट्री, क्या उमेश बजा पाएंगे कंगारुओं के लिए खतरे की घंटी। T20 वर्ल्ड कप को शुरू होने में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है और भारत ने इस मेगा टूर्नामेंट के लिए अपने प्लान बनाने भी शुरू कर दिए हैं। तेज गेंदबाजों में मोहम्मद शमी और उमेश यादव इन प्लान्स में शामिल हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए शमी को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया में चुना गया है। हालांकि उससे पहले ही वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज से बाहर भी हो गए हैं। उनकी जगह टीम में उमेश यादव को मौका मिला है। इसी बीच आनंद फानंद में उमेश यादव टीम के साथ जुड़ भी गए हैं, लेकिन अब उमेश यादव की टीम में एंट्री के बाद बवाल मच गया है। उमेश की एंट्री के बाद रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों मच गया है बवाल। उमेश यादव की एंट्री से क्यों मचा बवाल? उमेश यादव ने साल 2019 में भारत के लिए आखिरी T20 मैच खेला था। ये मुकाबला उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेला था, लेकिन 2019 से लेकर 2022 तक इस बीच उमेश यादव ने कोई भी T20 मैच नहीं खेला है। इसका मतलब साफ है कि पिछले 43 महीनों में उमेश यादव ने कोई भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला और अब अचानक से उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया है और अब इसी वजह से बवाल मच गया है। उनकी टीम में एंट्री पर सवाल खड़े हो रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 के प्लान में शमी और उमेश यादव को देखकर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने सवाल उठाए हैं। आकाश चोपड़ा को लगता है कि प्लानिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है। आकाश चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए उमेश यादव और मोहम्मद शमी की एंट्री पर सवाल उठाए। आकाश चोपड़ा ने अपने ट्वीट में लिखा, पिछले वर्ल्ड कप के बाद से भारत कई सारे T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुका है और तब मोहम्मद शमी और उमेश यादव इनमें से किसी भी मैच में टीम का हिस्सा नहीं रहे थे और अब जबकि वर्ल्ड कप को शुरू होने में 4 हफ्तों से भी कम का समय बचा है तो दोनों अब टीम इंडिया के प्लान का हिस्सा बन गए हैं। लगता है कि भारतीय टीम की प्लानिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। हालांकि आकाश चोपड़ा के इस सवाल के बाद अब कप्तान रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की प्लानिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शमी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उमेश यादव को टीम में चुना गया। वो खिलाड़ी जो पिछले 43 महीनों से T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से बाहर चल रहा था, आखिर उसे क्यों मौका दिया गया जबकि भारत के पास और भी तेज गेंदबाज मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज से पहले जब रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनसे भी उमेश यादव की इस अकस्मात एंट्री के बारे में सवाल पूछा गया, तो आप खुद ही सुनिए कि रोहित शर्मा ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। उमेश सी गाइस लाइक उमेश शमी यू नो गाइस हु हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम दे डोंट नीड टू बी प्लेइंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट टू बी कंसीडर्ड दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स एज अ प्लेयर इन व्हिचएवर फॉर्मेट दे हैव प्लेड and we understand the quality it's the new guys you know who will be debatable whether they've played this format or not but guys like Shami and Umesh we just need to see you know what they're doing at that particular time if they're fit and fine they will be called back we don't need to look at their form and Umesh we saw how he bowled in IPL you know he bowled pretty well gives us an option to use him up front with the new ball swings the ball bowls fast So yeah, that was a thought. Pretty simple actually. It was not much of a discussion for us. Keeping in mind that you know the World Cup is around the corner, we've tried a lot of players and we've seen what each of those players will bring to the table. And we are very much clear about our thought process and how we want to move forward. तो सुना आपने, रोहित शर्मा ने कहा कि मोहम्मद शमी और उमेश यादव वो खिलाड़ी हैं जिन्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको बता दे कि रोहित शर्मा पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद से ही टीम इंडिया के T20 कप्तान बन गए थे, तो क्या इस बीच उन्हें याद नहीं आया कि मोहम्मद शमी और उमेश यादव को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में उन्हें T20 टीम में एंट्री मिल जानी चाहिए। हालांकि रोहित शर्मा भी सवाल का ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाए। हालांकि अब टीम इंडिया में उमेश यादव की अचानक एंट्री हो चुकी है और इससे सभी हैरान हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि उमेश यादव को अपने इस चांस को पूरी तरह से भुनाना होगा, क्योंकि उमेश के पास रफ्तार तो है ही जिससे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को हैरान और परेशान दोनों कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, T20 वर्ल्ड कप से पहले उमेश यादव की टीम में एंट्री क्या टीम मैनेजमेंट का सही फैसला है या फिर किसी और तेज गेंदबाज को उमेश यादव की जगह टीम में जगह मिलनी चाहिए थी?
कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।